गाइस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिसाइकिल बिन का मतलब आखिर होता क्या है। अब बहुत से दोस्तों ने अपने मोबाइल में देखा होगा कि रिसाइकिल बिन का एक ऑप्शन होता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि आखिर ये होता क्यों है और ये किस काम में आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि रिसाइकिल बिन होता क्यों अपने मोबाइल में और इसका सही मतलब क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आपका वक्त ज़्यादा जाया ना करते हुए दोस्तों वीडियो अपन शुरू कर लेते हैं। तो सिंपली गाइस मैं आ गया हूँ अपनी गैलरी में, और गैलरी में जैसे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं थ्री डॉट पर ओके करता हूँ। उस थ्री डॉट पर ओके करने के बाद गाइस यहाँ पर रिसाइकिल बिन का एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो गाइस आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि रिसाइकिल बिन आके अपने मोबाइल में होता क्या है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर पढ़ते हैं, एनी इमेज ऑफ वीडियोज़ यू डिलीट वी स्टे ऑफ 30 डेज़। मतलब 30, जब भी आपकी गैलरी में किसी भी फोटो या किसी भी वीडियो को आप जब भी डिलीट करोगे तो वो आपके रिसाइकिल बिन में 30 डेज़ के लिए सेव हो जाएगी, है ना। तो सिंपली दोस्तों अपन सबसे पहले यहाँ पर कुछ करते हैं, लेकिन मतलब कि जैसे कि मान लो यहाँ पर ये वीडियो है, इस वीडियो को मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ। डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा मूव दिस वीडियो टू द रिसाइकिल बिन। तो यहाँ पर आपकी जो वीडियो है वो रिसाइकिल बिन में सेव हो जाएगी। अपन इस दो वीडियो को डिलीट कर देते हैं। अब दो वीडियो डिलीट करने के बाद गए यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, थ्री डॉट का एक ऑप्शन देगा, उस पर सिंपली क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर रिसाइकिल बिन में चला जाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आपको दिख जाएगा आइटम शो द डेज लेफ्ट अनटिल दे इज डिलीटेड फॉरवर्ड। मतलब यहाँ पर लिखा है कि आप चाहो तो अपनी जो फोटो या फिर वीडियो को है उनको फिर से आप गैलरी में ला सकते हो 29 दिनों के अंदर अंदर, या फिर अभी भी ला सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह वीडियो और फोटो जो भी है यह 29 दिनों के बाद डिलीट हो जाएंगे अपने आप। तो इनको अब अपनी गैलरी में कैसे लाने हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर इस वीडियो पर ओके करना है। वीडियो पर ओके करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा घुमा हुआ, तो उस ऑप्शन को ओके करना है। उसके बाद आपको जैसे ही बाहर आ जाओगे तो दोस्तों आपकी जो वीडियो है वो वीडियो आपके गैलरी में फिर से आ जाएगी। तो दोस्तों सिंपली मतलब इसका ये होता है रिसाइकिल बिन का कि आपकी जो भी वीडियो है वो डिलीट हो जाएगी तो उसी रिसाइकिल बिन में सेव हो जाएगी। आपके मोबाइल में ही रहेगी लेकिन रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। 29 दिनों के अंदर अंदर आप लाओ ला सकते हो तो ला सकते हो, नहीं तो वो फिर बाद में डिलीट हो जाएगी। तो इसका सिंपली ये मतलब होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।